आजमगढ़ में 20 दिन पूर्व 6 नवंबर को रौनापाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिलबिली दान चिलबिली में अज्ञात युवती की बेरहमी से हत्या कर शव मिलने के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि लड़की गोरखपुर की रहने वाली सपना थी और उसका प्रेम संबंध देवरिया जनपद निवासी विवाहित युवक से था। लड़के ने अपने प्रेमी के घर पर जाकर उसकी पत्नी से शादी की बात कही थी, जिससे बौखला कर कथित प्रेमी ने आजमगढ़ लाकर उसकी चाकू से हत्या कर लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी के साथ आए चालक को गिरफ्तार किया है, वहीं बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया गया। फरार आरोपी प्रेमी व एक अन्य साथी की जोर शोर से तलाश की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि घटना के समय अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अज्ञात मृतका के शव को सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त कराया गया तो मालूम हुआ कि मृतका का नाम सपना चंद पुत्री हरेन चंद निवासी पोखरी गांव थाना गगहा जनपद गोरखपुर है। उसका प्रेम संबंध आकिब अजहर शेख उर्फ बिक्कन पुत्र खरपत निवासी ग्राम मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया से था। बिक्कन विवाहित था, लड़की बिक्कन से शादी करना चाहती थी लेकिन वह टाल मटोल कर रहा था, जिस पर लड़की बिक्कन के घर जाकर अपनी शादी की बात कह दी थी, जिसके बाद सपना को रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया। बिक्कन अपने साथी अरशद पुत्र महताब निवासी ग्राम मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया तथा ड्राइवर गुड्डू पुत्र नवी शेख निवासी मदनपुर के साथ बोलेरो वाहन से आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ चलने को सपना को राजी कर लिया। रौनापार आते ही सपना की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और लाश को फेंक कर भाग गया था। एक्चुअल दिनांक 6/11 को प्रातः सूचना आई थी थाना रौनापार पे कि एक नवयुवती है जिसकी डेड बॉडी गन्ने खेत में पड़ी हुई है और जिसकी संभवतः हत्या की गई है। सूचना पे हम सब लोग मौके पे गए थे और काफ़ी प्रयास करने के बाद जानकारी ये हुई कि लड़की गोरखपुर की रहने वाली थाना का रहने वाली है ये, और उसकी लाके मौके पर हत्या कर दी गई थी। इस बिना पे पूरी जाँच हमारे एसओ ने किया। जानकारी ये हुई कि लड़की का अफेयर था मदनपुर थाने में एक बिग्गन नाम के व्यक्ति से, और बिग्गन पहले से मैरिड था। चूँकि यह लड़की उसके घर चली गई थी और उसने कहा उसकी पत्नी से परिवार वालों से कि मैंने इसे शादी कर ली है और मैं इसके घर पे रहूँगी। उसकी पत्नी और माँ बाप नाराज हो गए, इसको लेके बिग्गन ने प्लानिंग करी और उसी मदनपुर थाना जनपद देवरिया का जो बिग्गन है उर्फ वो अपने साथी अरशद के साथ एक गाड़ी बुक कराया बोलेरो, उससे उसको लेकर के जनपद आजमगढ़ के थनौरा पार्क एरिया में आया था वो धनतेरस के दिन, और रात में उसको बहाने से अपने संबंधी के यहाँ रोकने के लिए लेके आया और वहीं छुरी से उसकी हत्या कर दिया, गला काट के और गन्ने खेत पास उसकी फेंक दिया था और स्वयं लौट के चला गया। उसमें जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार हुआ है आज, उसकी गाड़ी गिरफ्तार बरामद हुई जिससे लड़की को लाया गया था यहाँ पे, और इससे पूरा घटना हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है। जो अभी मुख्य अभियुक्त बिग्गन है वो अभी फरार है, जो कि आउट ऑफ स्टेट चला गया है। हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई है, बहुत जल्दी करता है हम लोग जल्दी इसको जेल भेजेंगे उसको। इसमें एक कहानी ये है कि इसमें एक संजय सिंह का नाम आता है जो लेखपाल है वहाँ पे। लेखपाल संजय सिंह के इससे शादी करना लड़के चाहते थे वो, लेकिन चूँकि एज ज़्यादा थी और वो लड़की तैयार नहीं हुई, और संजय सिंह के जरिए ही मदनपुर में उसका संपर्क बिग्गन से हुआ था। तो पहले नाम संजय सिंह का भी मर्डर में आया था, लेकिन संजय सिंह मर्डर में संभवतः इसमें नहीं, उनका नाम नहीं इसमें सम्मिलित थे। तो इसी आधार पे हम लोगों ने बिग्गन तक हम लोग पहुँचे, हमारी टीम पहुँची वहाँ पे, क्योंकि संजय सिंह की पोस्टिंग देवरिया में रही है और बिग्गन उसको उनके संपर्क में था वो। तो इस प्रकार से जो है बिग्गन टच में आया। अब वो शादी लड़की ने किया कि नहीं क्या मालूम तो नहीं है, लेकिन जैसे लड़की की ने जाके घर पे कहा इसके बिग्गन की शादी मैंने इससे कर ली है, निकाह कर लिया मैंने इससे और इसके साथ ही मैं रहूँगी घर पे इसके, क्योंकि बिग्गन पहले भी लड़की की हत्या इसे कर चुका है। और तो हम लोगों को डाउट हुआ और पूरी घटना हम लोगों ने वर्कआउट किया। इसमें तो जो ड्राइवर बिग्गन बुक किया था गाड़ी को, ड्राइवर आज हम लोगों को मिल गया है, उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। उसी की गाड़ी से जो है बिग्गन उसका एक साथी अरशद उस लड़की को लेकर के यहाँ तक आए थे बहाने से, और चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दिया इन लोगों ने। मैं संजय सिंह ने के ऊपर बलात्कार का मुकदमा इस लड़की ने लिखाया था, क्योंकि संजय सिंह शादी करना इसे चाहते थे, लड़की तैयार नहीं थी। घर वाले चाहते थे लड़की की शादी संजय सिंह से हो जाए, लेकिन लड़की चूंकि काफ़ी कम एज केस की थी, लड़की संजय सिंह बहुत ज़्यादा थी, लड़की इसलिए तैयार नहीं थी इसको लेकर के।
वो उसका जो अफेयर था, जो प्यार प्रेम संबंध था, वो बिगन से ही था और वो बिगन से शादी करना चाहती थी, ऐसा लोगों ने बताया हम लोगों को। हाँ निश्चित तौर से, जब पहले तो उन लोगों ने नामजद करने का प्रयास किया हमारे यहाँ, लेकिन जब हम लोगों ने और क्वेरी जानकारी की उनसे, तो जानकारी उन लोगों ने दिया, बताया इस बात को कि साहब लड़की का प्रेम संबंध बिगन से था, वो मदनपुर जाती थी रहती थी ये, और इसलिए हम लोग को सहायता घटना वर्कआउट करने। जिला मुख्यालय स्थित आईटीआई कॉलेज के मैदान में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले का प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि रबी की फसल बोई जानी है, उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किसान कैसे करें यह बताया जा रहा है, वहीं अन्य फसलों और सब्जियों के बेहतर उत्पादन के साथ ही अनुदान योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में इस बार 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में रबी की फसल बोए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं यह भी बताया कि इस समय प्रदेश में 3,600 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों को 1,750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए इस वर्ष सितंबर माह में ही किसानों का पंजीकरण कराया गया था, जिन्होंने पंजीकरण कराया उन्हें तय समय पर बुलाकर धान खरीदा जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और कोर्ट को जल्द फैसला देना चाहिए। वहीं राम मंदिर बनाने की मांग पर कहा कि भारत संविधान से चलता है और संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। ये किसानों को जागरूक किए जाने का कार्यक्रम है कि वो रवि के बुआई में अपने खेती में किस प्रकार से वो बुआई करें, कौन प्रकार के अच्छे वैरायटी के बीज लगाएं और किस तकनीकी के साथ बुआई करें, तो उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने का काम, साथ साथ में अन्य फसलों को कैसे लगाया जाए उसके बारे में जानकारी, फिर साग सब्जियों के उत्पादन, फलों के उत्पादन, पशुओं के दूध की उत्पादकता कैसी बढ़ाई जाए और मिट्टी की जांच की किस प्रकार से की जाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या लाभ किसानों को मिलेगा, तो यह सारी जानकारियां इस मेले के माध्यम से दी जाती हैं। हर कार्यक्रम रोज कोई लाभ दिया जाएगा इस बात के लिए नहीं होता, अस्थाई लाभ कैसे खड़ा किया जाए उसके लिए यह कृषि मेलों का आयोजन होता है। इसमें अच्छे वैरायटी के बीज के बारे में ये चर्चा करेंगे, कृषि विभाग की जो योजनाएं हमारी चल रही हैं अनुदानों पर उनकी चर्चा होगी, इस समय जोरों पर रबी की बुआई का कार्यक्रम है तो उसका लक्ष्य प्रदेश में हम लोगों ने इस साल जो है वो 1 लाख हेक्टेयर में रखा, एक 100 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने गेहूँ के बुआई का लक्ष्य रखा है, तो उस लक्ष्य को पूरा किया जाए इसके लिए किसानों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। धान क्रय केंद्र के लिए 3600 क्रय केंद्र प्रदेश में लगाए गए हैं और अब क्रय केंद्रों ने अपनी खरीद की शुरुआत किया है और 1750 रुपये कुंटल के हिसाब से MSP तय करके और उनको धान की उनकी खरीदारी की जा रही है। बिचौलियों को रोकने का प्रयास यह था कि किसानों को हम लोगों ने सितंबर महीने में कहे थे कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सारे किसानों का गेहूँ खरीदा जाएगा, उनके लिए तारीखें तय कर दी जाएंगी और उस तारीखों पर वो लेकर के आएंगे तो उनका गेहूँ खरीद लिया जाएगा, उनका धान खरीद लिया जाएगा। लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतीक्षा में हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जल्दी वो निर्णय कर दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए भारत संविधान से चलता है और संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी, ये सरकार में रहने के नाते उसी को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे SC ST में कानून बनाया गया उस से। अब आप इंतजार करिए, शिवसेना जिस तरीके से आके यहाँ पे कर रही है वो शिवसेना के लोग बताएंगे। इस अवसर पर किसान मेले के संयोजक उप कृषि निदेशक आजमगढ़ डॉक्टर RK मौर्या द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मेले में जनपद आजमगढ़, बलिया, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर तथा भदोही जनपद के प्रगतिशील किसानों की भी सहभागिता रही।
उनके द्वारा बताया गया कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी के साथ साथ कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी किसान मेले में दी गई। इस आयोजन में कुल 40 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें नव विकसित कृषि यंत्रों के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक की प्रदर्शनी लगाई गई। समाजवादी पार्टी के बाद अमर सिंह अब संघ के जरिए भाजपा पर डोरे डाल रहे हैं। भारतीय राजनीति में लॉबिंग के उस्ताद राज्यसभा सदस्य अमर सिंह संघ के जरिए भाजपा में एंट्री करने के प्रयास में लगे हैं। कभी सपा में नंबर दो की हैसियत रखने वाले अमर सिंह इस समय सपा पर बाउंसर मार रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रति मुलायम नजर आ रहे हैं। बीजेपी व आरएसएस के प्रति उनकी नरमी का आलम यह है कि उन्होंने आजमगढ़ की अपनी पैतृक संपत्ति व पुश्तैनी मकान कार्यालय के लिए दान दे दिया है। इस बात को लेकर पैतृक गांव में रह रहे अमर सिंह के खानदान व रिश्तेदारों में असमंजस की स्थिति है। वहीं आरएसएस के पदाधिकारी के अनुसार क्षेत्र में सेवा भारती के जरिए आरएसएस के कामों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम सबको अभी ऊपर के अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी गांव की संपत्ति राष्ट्रीय सेवा भारती को दान में दिया है। वहां क्या क्या प्रकल्प खुलेंगे ऐसा हम सब अभी विचार कर रहे हैं। अपने ऊपर के अधिकारियों को जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार हम सब यहां वहां पर काम अपना प्रारंभ करेंगे। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वहां समाज के लिए? संगठन ही समर्पित है, इसलिए सेवा भारती के माध्यम से कुष्ठ आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, गौशाला और सिलाई कढ़ाई केंद्र और ग्राम विकास और जैविक खेती, ऐसा जो हमारे समाज को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, प्रयास होगा कि इन्हीं सब पर कुछ काम आधारित हो और वहाँ काम ये प्रारंभ हो। इस बारे में सर कब आप लोगों को पता चला कि अमर सिंह ने अपनी संपत्ति पैतृक दान करी है? अभी हमारे अधिकारी जो ऊपर के हैं कि उन्होंने ऐसा किया है और इच्छा जाहिर किया है कि वहाँ पर कुछ सेवा कार्य संघ के माध्यम से हो, तो अपने ऊपर के अधिकारी वहाँ आकर के एक बार निरीक्षण करके गए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये वो लोग अपना तय करेंगे। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि इसका शुभारंभ कब से होगा, क्या है कुछ? अभी ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है, होगी तो हम लोग जानकारी देंगे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अपने पैतृक जमीन पर बनाया हुआ मकान आरएसएस के सेवा भारती को देने का मन बनाया हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, और इसी आरएसएस के रास्ते भाजपा में सीधी एंट्री की नींव तैयार कर रहे हैं। अमर सिंह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक कुशल राजनीतिक पहलवान होने के नाते वो कौन सा दांव कब लगा देंगे कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि आरएसएस द्वारा यहां शाखा खोलने पर स्थानीय लोगों को फायदा होगा और अमर सिंह का कद और भी बढ़ जाएगा। नहीं पता, मकान को पता चला है कि आरएसएस को दे दिया गया है और हम लोग सुनने में आया, हम लोगों को तो पता चला 15-20 दिन पहले कि आरएसएस को दे दिया गया, लेकिन आरएसएस का भी कोई आदमी यहाँ पर कोई आया नहीं कुछ पता चला है। अब अमर सिंह इसमें क्या कैसे दे दिए नहीं दे दिए हैं, वो आरएसएस और अमर सिंह के भाई वो लोग जानते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। जब यहाँ पर कुछ होने लगेगा, आरएसएस के लोग लड़ने लगेंगे, आरएसएस के लोग इसमें काम करने लगेंगे, तो हम लोगों को मालूम हो जाएगा, फिर हम लोग भी अमर सिंह जहाँ जाएंगे उनके साथ हम लोग भी जुड़ते चले जाएंगे, आरएसएस के साथ हम लोग भी हो जाएंगे। अभी आरएसएस का कार्यालय या अगर जो कोई वो खोलते हैं शाखा खोलते हैं, इससे कुछ इलाके को फायदा होगा? हाँ जान, जनता हमारे क्षेत्र का विकास होगा और जनता में नाम होगा, यहाँ क्षेत्र का नाम होगा, तरमा का नाम होगा, और आरएसएस के लोग रहने लगेंगे तो उससे हम लोग भी जुड़ जाएंगे, अमर सिंह के हम लोग साथ हैं, अमर सिंह जहाँ जाएंगे तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। तो इसमें कोई रहता वहता है? हाँ, एक रहते हैं, दिया बाती करते हैं। तो अभी सुना है कि आरएसएस को दे दिया क्या है? 4-6 महीने पहले ही मैं पता चला मुझे कि ये दे दिया। क्या पता चला? ये आरएसएस को दे दिए हैं। इससे क्या फायदा होगा, अमर सिंह ने क्यों आरएसएस को दे दिया होगा, कुछ आपको समझ में आ? जरूर इनकी सोच ऊंची है और संघ में जाना ये इससे बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती है, तो राजनीति से दूर उठ करके चले गए हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके कद को कोई रोक सके। अब अमर सिंह समझ लीजिए अमर है। वही अमर सिंह के चाचा प्रेम चंद्र सिंह ने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, वैसे संपत्ति उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अमर सिंह के सड़क स्थित मकान में अमर सिंह के अतिरिक्त उनके भाई व बहन भी हिस्सेदार हैं।
उन्होंने बताया कि अमर सिंह ने ज्यादातर जमीनें बेच दी हैं, अब अमर सिंह के हिस्से में मात्र एक एकड़ जमीन ही बची है। दान कर दिया ऐसा सुना जा रहा है, आपको जानकारी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या है पूरी बात बताएं? भाई ये अमर सिंह बता सकते हैं, यहाँ के लोगों से न कोई राय किया है न मशवरा किया है, ऐसी बात कोई नहीं है। जहाँ पे घर है वहाँ कई लोगों ने कहा किसी को 3 महीने पहले, किसी को 4 महीने पहले। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती कि नहीं तो उनका एक नौकर यहाँ रखा गया है, वो खुद ही बता देते। उनसे मिले कि नहीं आप? नहीं, उससे नहीं बोला। उनसे मिल लीजिए पंडित। अच्छा, एक दूसरी चीज में ये जानना चाहिए, वो जो मकान बना हुआ है वो अमर सिंह का अकेला है या उसमें और लोग भी हिस्सेदार हैं? मैंने वो पुराने मकान में उनके पिताजी का नाम था तो पुराने ही मकान पर ऊपर बना है, उसमें वो है अरविंद सिंह है, उनकी सिस्टर है, सब लोग हैं, सारे लोग मालिक। सारे लोग दो या तीन लोग हैं, तीन लोग। तो उस मकान में मतलब और पट्टीदार हैं उनके भाई? बस उन्हीं के सगे भाई है, और क्या, सगे भाई उन्हीं के हैं। श्री अग्रवाल महिला मंडल ने रविवार को अपना रजत जयंती वर्ष समारोह पूर्वक बड़े ही भव्य पैमाने पर मनाया। संगठन में सक्रिय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया तो स्मारिका का विमोचन कर संगठन के कार्यों, उपलब्धियों, उद्देश्यों, योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी जन जन को अवगत कराया। इस अवसर पर आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कुसुम राय जहां उपस्थित रहीं तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अनिता अग्रवाल व पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। अतिथियों के स्वागत सम्मान समारोह के उपरांत आयोजित हुए आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने रजत जयंती समारोह में 4 चांद लगा दिए। राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्मसभा के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मंदिर के बहाने जहां भाजपा हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश में है, वहीं समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा कहीं 2019 के पहले ध्रुवीकरण का दांव न चल दे। सोमवार को सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा की मंशा मंदिर बनवाना नहीं है बल्कि मंदिर के बहाने सत्ता हासिल करना है, लेकिन जनता सब समझ रही है, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा व दलित समाज भी भाजपा की चाल को समझ गया है कि कल जो अयोध्या में नौटंकी की गई RSS और उसके राजनीतिक संगठनों द्वारा, अभी स्पष्ट हो गया है कि इनकी नौटंकी अब बार बार नहीं चलने वाली है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वहाँ पर लोगों को पैसा दे करके ले जाया गया और ख़ास करके पिछड़ी जातियों को वहाँ पर ले जाने का काम किया गया, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी पुनः मंदिर के बहाने भगवान राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रही है। मुंबई 26/11 के आतंकी हमले की 10वीं बरसी पर हमले में शहीद लोगों को टाइनी टॉट्स स्कूल के बच्चों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों में कैंडलें जलाईं।
इस दौरान विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने स्मृत सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 26 ग्यारह 2008 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसे कोई भुला नहीं सकता। उस काली रात की याद जब भी जहन में ताजा होती है, दिल दहल व सेहर उठता है। हमले में मारे गए 160 से ज़्यादा लोगों व घायल हुए 300 से भी ज़्यादा लोगों से सिर्फ मायानगरी ही नहीं पूरा विश्व दहल उठा था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ विद्यालय के बच्चों ने संविधान दिवस के अवसर पर भी अपने अपने विचार रखे। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल नितिन गौड़, राजीव सिंह, सोनी रस्तोगी, आकांक्षा सिंह, दीपक सैनी ने भी अपने अपने विचार रखे। एक पंथ दो काज की कहावत को इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत विकास परिषद की आजमगढ़ शाखा ने चरितार्थ किया। जी हाँ, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्त के जनपद आगमन पर जहां उनके स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही परिषद की वीरांगना शाखा का भी गठन हुआ। भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की अध्यक्ष सुमन सिंह व सचिव डॉक्टर अलका सिंह को मनोनीत करते हुए उन्हें शाखा के विस्तार व विकास संबंधी जिम्मेदारियां सुपुर्द की गईं। समारोह को संबोधित करते हुए भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्त ने आजमगढ़ शाखा के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। तमसा बचाओ अभियान में सक्रिय भागीदारी पर कंठ से प्रशंसा भी की। साथ ही यह अपेक्षा भी जताई कि शाखा संस्कार और सेवा के कार्यों को प्रमुखता से महत्व देगा, आगे बढ़ाएगा। आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद के आगमन पर आज उनका हम लोगों ने यहाँ स्वागत समारोह रखा था और उनके उद्बोधन में उन्होंने हम लोगों को जो निर्देश दिए हैं वो इस प्रकार है कि हम भारतीय संस्कृति में संस्कार और सेवा के कार्यों को ज़्यादा महत्व दें और हमारी इस शाखा के द्वारा संस्कार और सेवा के कार्यों को विशेष रूप से समाज में निस्तारित किया जा रहा है। जिन बच्चों में संस्कार की कमी है, जो पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए हैं और अपनी भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उनके अंदर हमारा भारत विकास परिषद इस पर विचार करके और उनको शिक्षित करने का प्रयास करता है, उनके अंदर भारतीय संस्कृति की भावना भरता है।